शंकर सेलू चैनल पर आप सबका स्वागत है। रामनवमी के उपलक्ष्य में मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, क्या राम भी कोरोना से लड़े थे? इसी प्रश्न के जवाब में मैंने एक कविता लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। जब त्रेता युग में रावण कोरोना बनकर खड़ा था, जब त्रेता युग में रावण कोरोना बनकर खड़ा था, तब राम संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था, तब राम संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था। जब 16 वर्ष के राम वनवासी हो गए, लोगों को लगा कि अब उनके सितारे सो गए। हालांकि लक्ष्मण और सीता का साथ मिल गया था, जिनके कारण जंगल में भी राम खिल गया था। भरत ने भी भाई का पूरा धर्म निभाया, सरयू तट की कुटिया से अपना कर्म निभाया, सरयू तट की कुटिया से अपना कर्म निभाया। मगर ये भगवान की नहीं, ये भगवान की नहीं, मानव रूपी राम की कथा है, जो सत्य की साधना से खुद को पाने को अड़ा था। जब त्रेता युग में रावण कोरोना बनकर खड़ा था, तब राम संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था, संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था। जब रावण का कुनबा पूरी दुनिया में बसा था और काल भी उनकी मुट्ठी में फंसा था, धरती पर बना ली थी उसने सोने की लंका, और देवलोक में भी बजता था उसका डंका। जगह जगह रावण का अत्याचार हो रहा था, मानव का अस्तित्व छुप छुप कर रो रहा था, मानव का अस्तित्व छुप छुप कर रो रहा था। शायद रावण उस युग का कोरोना था, शायद रावण उस युग का कोरोना था जो मानव और मानवता के पीछे पड़ा था। जब त्रेता युग में रावण कोरोना बनकर खड़ा था, तब राम संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था, संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था। हर युग में कोरोना नया रूप लेकर आया था, पर मानव के संकल्प ने उसको हराया था। आज फिर कोरोना ने कोविड-19 का रूप दिखाया है, हमको मर्यादा और संयम का पाठ सिखाया है, हमको मर्यादा और संयम का पाठ सिखाया है। फिर से घट में संयमित राम को जगाना है, घर के अंदर से ही कोरोना को भगाना है, घर के अंदर से ही कोरोना को भगाना है। अजय रावण को भी राम ने हराया था, अजय रावण को भी राम ने हराया था, क्योंकि राम का संयम रावण से भी बड़ा था। जब त्रेता युग में रावण कोरोना बनकर खड़ा था, तब राम संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था, संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था। हमें राम के मानवीय रूप को जानना होगा, उनके संकल्प और संयम को पहचानना होगा। राम ने मर्यादा में रहकर जीना सिखाया था, पीड़ा के जहर को भी हंसकर पीना सिखाया था। अरे राम मत बनो, लेकिन मानव बनकर तो रहना है। संयम ही राम है ये बात तो सबसे कहना है, संयम ही राम है ये बात तो सबसे कहना है। आज भी वो राम हमारे अंदर पल रहा है जिसका संकल्प कोरोना राक्षस से बड़ा था। जब त्रेता युग में रावण कोरोना बनकर खड़ा था, तब राम संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था, संयम और मर्यादा के दम से उससे लड़ा था। जय श्री राम।